बाबा जी में अगर ताकत है तो बाबा जी यहीं पर अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कर सकते हैं, हमें बाबा जी को बता देंगे। नहीं बता रहे वो, आप कहिए नहीं बता रहे, सब बताएंगे। नहीं 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 कह रहे, हम तीन घंटे से पूछ रहे, नहीं बता रहे हो। हम ज्यादा बात ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप बैठिए, आप बैठिए बाबा जी। अब तो आपके भक्तों ने कह दिया कि बाबा जी में अगर ताकत होगी तो यही दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, वो आपके भक्त कह गए। कर देंगे, कर दीजिए, अभी कर दीजिए। लेकिन क्या दोगे तुम हमें बाबा जी? आप जो कहेंगे वो हम देंगे। आप चमत्कार करिए और हम सब आपके सामने ये मानेंगे कि आपके अंदर ताकत है, हम नेशनल चैनल बनाने। आप कर दीजिए, आप इसी छड़ी वाला चमत्कार कर दीजिए, 100 लोगों को उठाने वाला यहाँ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप कोई चमत्कार करिए महाराज जी, कोई भी शक्ति दिखा दीजिए अपनी, हम सब सलाम करेंगे आपको। अच्छा अच्छा, चमत्कार करिए वरना मानिए कि आपसे गलती हो गई। मैं नहीं मानूंगा। आइए आप, कौन है? वरुण, नीचे आओ। वरुण, आपसे बाबा जी कुछ चमत्कार करना चाहते हैं, बोलिए। अब इनसे आप ये कहो कि किसी को ले आओ। किसको ले आए? जिसको लाना हो, किसी एक शख्स को। वरुण जल्दी से किसी को पिक करके लाओ। इनको ले आए? जी ले आए। अब यार ये ट्रैक नहीं है, तुम जाओ जहाँ जाना चले जाओ, जाओ जाओ, तुम दोनों जाओ, निकल जाओ यहाँ से। चलो आप चले जाओ, तुम दोनों निकल जाओ, चले जाओ, ठीक है। एक मिनट मुझे बता दीजिए आप करने क्या वाले हैं। मुझे कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक ठीक है, बाबा जी चमत्कार कर रहे हैं। देखिए लाइव टेलीविजन पर पर्चा निकल रहा है यहाँ पर, या तो आज पर्चा निकलेगा या आज पर्चा फटेगा। भी बुला लें? हाँ दोनों को बुला, दोनों लोग आ जाइए, दोनों लोग आ जाइए। वरुण नाम है इनका, वरुण नाम है, इनका नाम नहीं मालूम मुझे, आपका क्या नाम है? ऋषभ। ऋषभ, ऋषभ आप क्या ले? स्टूडेंट हूँ। ठीक है ठीक है, लो देव इनको पर्चा दीजिए। एक अभी खोलना नहीं, खोलना नहीं, खोलना नहीं, खोलना नहीं, खोलना नहीं अभी। वरुण बैठो, अब इनसे पूछो ये क्या कहना चाहते हैं। पूछो वो क्या प्रश्न लेकर आया था, क्या प्रश्न लेकर आया था, पूछिए। कैरियर में आगे हम क्या करेंगे उससे रिलेटेड मैं इनसे बस यही पूछना चाहता था, बस। कैरियर में आगे क्या करेंगे? कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न, कोई प्रश्न नहीं है, नहीं सब बढ़िया चल रहा है। सुन लिया सबने तो है, लेकिन पढ़ाई से स्तर बढ़े, घर परिवार उन्नति चाहते हैं, सभी सदस्य स्वस्थ हैं, आशीर्वाद सरकार का कृपा होगी। बाबा जी ऋषभ बताओ, पहले ऋषभ तुम बताओ, क्या तुम यही सारे सवाल लेकर आए थे? मेरा ऐसा कोई सवाल नहीं था। एक मिनट, इधर 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 इधर, ये बिल्कुल गलत नहीं है ऋषभ, ऋषभ एक मिनट शांति रहिए, सब शांति बनाए रखिए। ऋषभ का सवाल था कि नहीं, ऋषभ को बताएंगे। ऋषभ ये सवाल था आपका, जो हार्ड टाइम आजकल चल रहा है, कॉमन से कॉमन आदमी ये जानता है कि किसी की भी समस्या यही हो सकती है ज्यादा से ज्यादा कि मेरा परिवार जो ये कोरोना का टाइम गया। ऋषभ ये सब बात नहीं, सवाल तुम्हारा था, तुम्हारा मेरा था? कोई सवाल नहीं था, लेकिन इन्होंने जो सवाल लिखा है ये तो कोई भी लिख देगा कि परिवार सही रहे, हमारा जो सब कोई बीमार ना पड़े, ये तो कोई भी लिख सकता है। तो ये तुम्हारा सवाल नहीं था। अब आप लोग फैसला कर दीजिए, क्या हम लोग इनको सलामी दें या ये माफी मांगे? माफी मांग लेनी चाहिए, माफी मांग लेनी। ये मैंने जो लिखा है ये माफी मांगे, उन्नत माफी मांगे, ये माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे कि नहीं, हाँ या ना, माफी मांगे कि नहीं? जब सिद्धियां आ गई तो एक कहां की बात है, आप बताइए बहन जी, ये कहां की बात हुई? कुट्टी बाबा मैं एक छोटी सी बात है, आपका 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 अनादर करना किसी का उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये पर्चा गलत साबित हुआ है, ये पर्चा गलत साबित हुआ है और टेलीविजन पर साबित हुआ है। मेरा सवाल ये है कि चमत्कार और पुनर्जन्म, जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है, और उनकी अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनती है, और उसके बाद अभी उनकी कहीं इंग्लैंड भी उनका कोई पादुका जाती है, और उनके बाद अभी एक शख्स भी बीच में था कि जो अभी गुजर गया, वो बोलता था कि मैं साईं का दूसरा अवतार हूँ, तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और वो चमत्कार करते थे कि उबले हुए पानी में हाथ डालते थे या फिर बीमार आदमी को ठीक करते थे, ये सही था कि गलत था? भाई साहब का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ख्वातीन की शोभी से सवाल था, मैं ख्वातीन को ये कहना चाहता हूं कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की लेडीज विंग भी है, और आपको जान के खुशी होगा कि हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 30 से ज्यादा मुकर्रिन हैं, 30 से ज्यादा ख्वातीन हैं जो माशाल्लाह तकरीर करते हैं, और हमारे पास कई प्रोग्राम है ख्वातीन के लिए खुसूसन, और इस
खवातीन के शोबे की प्रेफरेंस मेरी अहलिया है फरत नायक, और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं और मैं चाहता हूँ कि इतनी खवातीन बड़ी तादाद में है माशाल्लाह, पूरा दरिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई प्रोग्राम होते हैं, मिसाल के तौर पे इस्लामिक ट्रेनिंग होती है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में मैरिज प्रिपरेटरी कोर्सेज होते हैं, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फहमुल कुरान होता है 30 दिन का, और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं। आप लेडीज विंग के स्टॉल पे जा सकती है और हर हफ्ते 2 बार तकरीर होती है, सैटरडे शनिचर को और मंडे पीर को, हफ्ते में 2 बार होता है तकरीबन 3:30 बजे। और जो प्रोग्राम्स होते हैं फैमिल कुरान, मैरिज प्रिपरेटरी कोर्स, इस्लामिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसकी डेट मुकर्रर की जाती है, आप लेडीज विंग में कॉन्टैक्ट कर सकती है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा और आप इंशाल्लाह इस्लाम के करीब रहेंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और वो चमत्कार करते थे और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे, कैसा? भाई साहब इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके जरिए आप ऐसे चीज कर सकते हैं जो आम अपने आंखों से नजर आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार जो पैगंबर करते थे, अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूं, उसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत? साइकेट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था, आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था आठानी, रुमाल निकालता था, आठानी गायब, लोग समझते थे मैं चमत्कार हूं। इसे कहते हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है, मैं अठानी दिखाता था लोग को, इधर रहती थी मेरी कांच की गोल अठानी के साइज की, कांच की, कांच का टुकड़ा था, दिखाता था रुमाल के अंदर, अठानी से बदलता था वो कांच की टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, अठानी गायब, फिर आपके कान से अठानी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है, इसे बोलते मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को 2 टुकड़े में काटो, वापस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं, पीसी सरकार, नाम सुना पीसी सरकार, जो बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे, चमचे को तोड़ते थे, उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे बुबुदुई, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है, कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे क्योंकि आपके आंख देख नहीं सकते हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा कि आप सल्फर या कुछ डालेंगे, एक केमिकल डालेंगे, आई थिंक सल्फर है, मैं बराबर से याद नहीं मुझे, तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है, नहीं। और मूर्ति बनाना गलत है, साईं बाबा की मूर्ति बनाना ईसा अलैहि सलाम की, ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते, तो ईसा अलैहि सलाम की गलती नहीं, वो साईं ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए, कुरान मजीद। आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके भाई साहब? नहीं, कुछ पढ़ा नहीं हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। पढ़ना चाह, आप जानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, एक तो है। आप मानते हैं? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, मूर्ति पूजा गलत। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता ना, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। हाँ, कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाल्लाह हिदायत मिलेंगी।
आप जो जबान में जानते हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेजी जानते अंग्रेजी में लीजिए, इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा।